हेलो मित्रों, आज की हमारी कहानी का विषय है बेटियां। आज की कहानी छोटी और साधारण हो सकती है, परंतु बेटियों का परिवार में एक महत्वपूर्ण और अहम स्थान होता है। बेटियां घर छोड़ती हैं पर घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है, बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बेशकीमती दुआएं। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी कि भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है, हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे कैसे भूल गए मेरे घर वाले। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी, सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा नजर आया। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे पर खुशी खिल उठती थी, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस चले गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। इस पर सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी ही निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना होगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर पैसे ले आइए, जो कुछ पैसे आएंगे उन्हीं से फीस भी जमा कर देंगे और सिमरन को त्योहारी भी दे देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या मैं आज यहाँ उनको तंग करने के लिए या कुछ लेने के लिए आई हूँ। वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था कि ये पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार यही कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका था तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 रुपए का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले कि ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर और कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ पापा की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शकुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने भीतर लेके आती हैं।
हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बहन बेटियों को कभी भी अपने दिल से दूर नहीं करना चाहिए। माना कि वो पराए घर चली जाती हैं, पर उन्हें कभी पराया नहीं समझना चाहिए। उनकी दुआएं हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत कीमती होती हैं। ओके, बाय।